फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वो रेसिपी देख सकते हैं। आज मैं कटहल की रेसिपी कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। आज हम इसे फ्राई करके बनाने वाले हैं। अगर आप कटहल खाना बहुत पसंद करते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने कटहल को कट करके रखा है और इसके थोड़े से मैंने सीड्स भी अलग कर ली हैं। इसको काटने का जो प्रॉपर मेथड होता है वो अपनी पहली वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, हम इसे फ्राई करने वाले हैं, तो इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कटहल डाल देंगे। फ्राई करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप कटहल को वॉश करें तो उसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें, इससे थोड़ा सेफ़ रहता है। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। 80% कटहल हमारा फ्राई करने में ही कुक हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कलर चेंज होगा फ्राई करते टाइम। फ्राई करने से जो इसके सीड्स होंगे वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे और अंदर तक हमारा कटहल जो है वो कुक हो जाता है। अगर हम बिना फ्राई करे हुए रेसिपी बनाते हैं तो उसमें कई बार हमें सीड्स की प्रॉब्लम आती है, वो हार्ड रह जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी इस रेसिपी में नहीं आने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं सीड्स के बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं और अंदर तक कुक हो जाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसे और फ्राई करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कटहल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि कटहल हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको प्रेस करके देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कटहल हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेंगे हम प्रेस करके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से सारा कटहल मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कटहल हमारा कुक हो चुका है अच्छे से। ये मैंने सेपरेट रख लिया है प्लेट में डाल के। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में। गरम कर लेते हैं इसको। 1 चुटकी हींग डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं और 2 लाल मिर्च लिए हैं, ड्राई वाली लाल मिर्च जो होती हैं, उसको भी मिक्स कर देंगे। फ्राई कर लेते हैं घी के साथ। अब हम इसमें अनियन डालेंगे। कटहल की सब्जी में अनियन की क्वांटिटी थोड़ी सी आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें अनियन का ही तड़का लगाया जाता है, टमाटर वगैरह इसमें नहीं डलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 से 4 अनियन लिए हैं, जिनको मैंने फाइनली चॉप करके रखा है। तो इसको हम भूनेंगे जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। और साथ ही मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब हम अनियन को भून लेंगे, जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब तक। आप देख सकते हैं अनियन को भूनने के लिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी कम ली है, क्योंकि जब हम इसमें फ्राई करा हुआ कटहल डालेंगे तो वो ऑयल की क्वांटिटी हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर मिक्स कर देंगे इसमें, धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मिक्स कर लेते हैं सभी मसालों को अनियन के साथ। ये देखिए, आपको भी अनियन काफ़ी ड्राई दिख रहा होगा, और जब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि कटहल हमारा फ्राई किया हुआ है तो उसमें भी ऑयल की क्वांटिटी होती है। तो हम इसमें कटहल ऐड कर देते हैं। ये देखिए, सारा कटहल मैंने डाल लिया। अब हम इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, ताकि मसालों की सारी कोटिंग हो जाए कटहल के साथ।
ये देखिए कटहल को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से मसालों के साथ, आप देख सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कटहल हमारा काफ़ी पक चुका है आप देख सकते हैं, और जो अनियन का कलर था वो भी काफ़ी डार्क कलर का हो गया आप देख सकते हैं, अनियन भी हमारा भून गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हम इसे खुला ही भूनेंगे बिना ढके हुए, आप देख सकते हैं कटहल का कलर भी बड़ा अच्छा आया है और ये अच्छे से पक भी चुका है, सीड्स भी इसके पक चुके हैं अच्छे से। तो मैं इसमें 1 से 2 मसाले और ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाले का ऐड किया है, ये होममेड गरम मसाला ही मैंने मिक्स किया है इसमें। अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं हमारे कटहल के साथ और अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा इसमें और कलर भी कटहल की सब्ज़ी का बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसे तेज फ्लेम पे ऐसे ही भूनूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कटहल की सब्ज़ी का कलर कितना शानदार हो गया है। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे इस तरह से ही भुना है तेज फ्लेम करके और सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है सब्ज़ी का। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं लास्ट में, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी देख सकते हैं सब्जी की, अंदर तक अच्छे से कुक हो चुका है हमारा कटहल और आप कलर भी देख सकते हैं सब्जी का, बहुत ही बढ़िया कलर आया है हमारी सब्जी का और बहुत ही चटपटी सब्जी हमारी बनके रेडी हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा MTB किचन को इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTB किचन।